लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में सारे राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, तो इसी सिलसिले में हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और चलिए चलते हैं आम जन की चुनावी मूड जानते हैं। रोड पर रहते बेटा, आवास वाली कॉलोनी नहीं कोई भर रहा है, इतने परेशान हैं। नहीं देती है? देते हैं, अब क्या करें, अब अकेले हम कहाँ चले जाएं। मोदी को दे रहे हैं तो जब सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिली है फिर भी, तब क्या करें बेटा, अकेले हम कहाँ दुनिया से भाग जाएं। क्यों अखिलेश ने तो पड़ेगा बेटा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो क्या कहते हैं रोजगार बढ़ेगा, काफी मतलब योजनाएं आएंगी, तो उनको क्यों? अरे बेटा क्या बताएं हम, क्या ना बताएं, कोई वलजना कोई बात ही नहीं होती है, इतना सब कुछ होता है ये नहीं। जाते हैं सभासद के पास, कहता जब वो 2.5 लाख वाली कॉलोनी आएगी तब भरवाना, जब मेरे पास जमीन नहीं तो मैं कहाँ से भरवाऊँ। रोड पे नगम निगम वाले आते वो भगा देते हैं, बताइए यहाँ पर जाके सामान रखते बेटा, इतनी परेशानी है हम लोगों की। और बेटा कहा हम बताएं, कौन पूरा कर देगा, ऐसे ही तो बताते हैं बस बच्चे कहे। जैसा कि आपने देखा कुछ लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को अधिकारियों की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है, तो क्या लगता है इस बार पीएम के पद पर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने रक्षा तंत्र को बहुत मजबूत कर दिया अपने देश को। कौन कौन से कार्य किए, जैसे देश को बहुत मजबूत कर दिया, रक्षा तंत्र हथियारों को इतने खरीद लिए हैं, और हमारे इस मोहल्ले में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के कम से कम 200 मकान होंगे गरीबों को। तो और कोई क्यों नहीं, राहुल गांधी या अखिलेश यादव क्यों नहीं, इन्होंने देश के प्रति कुछ भी नहीं किया, सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। बार पीएम के पद पे किसका चेहरा नजर आ रहा है? लगा तो मुझे ये आ रहा है, उन्होंने लेट पानी बत्ती मकानों सब दिया। और कुछ सुविधाओं का लाभ मिला आपको उनके द्वारा, किसी योजनाओं का जो लाभ मिला हो? घर दिया, मकान दिया है, क्या चाहिए, राशन दिया है। किसकी सरकार नजर आ रही है इस बार? हमारी तो भैया मोदी सरकार आ रही है। क्यों भाई? वो रोड बनवा रहा है, सब टेबल लगा रहा है, राशन फ्री दे रहा है, हर चीज सुविधा दे रहा है, मोदी भैया दे रहा है, हर काम में दे रहा है हम लोग। क्यों और कोई सरकार की? राहुल गांधी ने भी कहा कि वो जब उनकी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे, वो क्यों? भैया उनका कोई भरोसा नहीं, गठबंधन वाले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं, सब बदल गए, कोई भरोसा नहीं हमें, तो मतलब है योगी और मोदी रहे भैया, यही सरकार अच्छी है, और बाकी तो ये गठबंधन वाले तो भैया हम लोग पल्ले नहीं पड़ रही है। और कोई योजनाओं का जो लाभ मिला हो आपको? योजना बस यही है कि भाई कोई परेशानी नहीं है, राशन मिल रहा है, रोड बन गई, सब टेबल लग गया, पानी मिल रहा है, औकात चाहिए कॉलोनी मिल गई, औकात चाहिए भाई, सरकार इतना तो दे रहा है, और इतनी सरकार में कोई कुछ नहीं दिया कुछ। अब आखिर आदमी यहाँ के रोड पे जो है पैसा मांगते हैं, यहाँ बहुत मजबूर आदमी लोग हैं, सब लोग यहाँ पर खाना ना शुद्ध नहीं खा पाते, शाम खाते हैं सुबह नहीं खाते हैं, ठीक है तो कमाओ खाओ। तो मतलब क्या आपका मतलब क्या कहना है कि सरकार आ रही है इस बार मोदी सरकार? मोदी तो आएगा, हमेशा रहेगा मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी भाई जिंदाबाद। तो आपको मतलब इतनी तकलीफों के बावजूद? अरे कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी सरकार है, नहीं है रोजगार नहीं मिल रहा है, अरे नहीं मिल रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मोदी अच्छा इंसान है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार में हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी मैम। किसके आसार है? कोई भी आ जाए मैम, सही चले बस और क्या। तो मतलब इस बार सरकार, मौजूदा सरकार से आपको किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला मैम, कोई लाभ नहीं मिला, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, अपने हाथ से मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला। तो परिवर्तन से कोई लाभ होगा शायद मैम, उम्मीद रखा जा सकता है, मिले या ना मिले आगे की बात। किसका समर्थन करते हैं? मैं तो मैम बहन कुमारी मायावती का समर्थन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो लगता है कि मायावती सरकार आ जाएगा तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा मैम, पहले था और आज भी होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जिनको योजनाओं का लाभ मिला है और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं भी मिला है, वो भी सिर्फ मोदी सरकार की ही बातें कर रहा है। उनका भी कहना है कि सिर्फ सरकार ही आने, मोदी सरकार ही आएगी और वो मोदी सरकार को ही लाना चाहते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर। मैं प्रिया, कैमरा पर्सन अनन्या के साथ।